हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वनस्थली विद्यापीठ की, वनस्थली या वनस्थली विद्यापीठ। सो इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस डिफरेंट कोर्सेज के लिए, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड की। सो यस, इनके जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म्स हैं जो एग्जेम्प्टेड नहीं होते उन्हें एंट्रेंस देना होता है, और एंट्रेंस के लिए जो फॉर्म्स हैं वो आए हुए हैं, ठीक है, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो रेड है 18 जून को, ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। तो 2-3 मिनट एटलीस्ट इस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, हमने लास्ट 2-3 बार से जब भी डिस्कशन किया है सो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जो वेबसाइट है ना उस पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ अपडेट आती नहीं है, बट हाँ एंट्रेंस टाइम से होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, सो दैट 18th को है ना, तो उससे पहले आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, काइंड ऑफ आपको खुद से, लाइक अगर कुछ अपडेट नहीं आती है ना, मेल आता है ना कुछ, तो आपको खुद से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जितना भी ज़्यादा पॉसिबल हो, एंड चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है कि मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ एडमिन से और एनीथिंग। सो इसलिए जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप अप्लाई करते हो तो ध्यान रखना इस बात का, एंट्रेंस 18 को अगर लिखा है तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक 90% चांसेस हैं उसी दिन होगा, और अगर कोई अपडेट नहीं आती है तो आपको खुद से चीज़ें कंफर्म क्लियर करनी होंगी, ठीक है। ऑल्सो जितना ऑफकोर्स कमेंट के थ्रू ही पता चला है वो ये है कि हाँ, यहाँ पे PhD के लिए मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, बट हाँ अभी हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखेंगे तो आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करें फिर कुछ पता चले तो इससे बेटर है जितने भी सारे कन्फ्यूजन है ना उन्हें पॉइंट्स बनाकर लिख लीजिए, फिर कॉल कर लीजिएगा एंड सारी चीज़ों के आंसर ले लीजिएगा, राइट। सो हाँ, जहाँ तक बात है इस यूनिवर्सिटी की, तो ये A++ जो हाइस्ट पॉसिबल ग्रेड है वो इन्हें मिला हुआ है, 3.63 है आउट ऑफ 4 इनका CGPA, सो आप समझ सकते हैं। अल्सो वर्ल्ड की सेकेंड बेस्ट वुमेंस यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी चीज़ें इस इनकी वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेंगी। तो यूनिवर्सिटी तो जितना एटलीस्ट मतलब वन लाइक एक्सपीरियंस नहीं है खुद वहाँ जाने का, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है तो इसलिए कह नहीं सकते कैसा है, बट फिलहाल अगर आप वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे तो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है। एनीवे, ज़्यादा बातें कर ली मैंने, 2 मिनट से ज़्यादा बोल लिया। सो फिलहाल रेड के लिए फॉर्म्स आए हैं, banasthali.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करना होगा आपको, देन एक्सप्लोर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए जो यहाँ रिसर्च कर रहे हो तो उनसे एक बार पूछ ज़रूर लीजिएगा। सो नेक्स्ट, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर सेक्शन है, तो इसमें एडमिशन्स का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर ओपन हो जाएगा सेक्शन, तो स्कूल, हायर एजुकेशन, सबके लिए एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो हायर एजुकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा, ये एक लिंक है, ओके। इसके बाद इसे स्क्रॉल करिएगा, एंड में आपको PhD प्रोग्राम दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। सो यस, इस पोर्टल का लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अभी देखेंगे, ठीक है, और बाकी जो भी इस पर्टिकुलर पेज पे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस लिंक के थ्रू मिलेगी, एंड इसी पर रिलाई करना है। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो जो इसके अंडर होगी ना वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। तो रेड का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा, ये लिंक है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी बहुत सारी तारीफ़ें की हुई हैं, वैसे अच्छी बात है, ये सारे रैंक्स वगैरह हैं तो इन्होंने बताया हुआ है, एंड लेटेस्ट रैंक्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराने हैं। सो इन्हें रैंक आप देख सकते हैं क्या मिली है, जो टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 18th of June को है। सो ऑनलाइन मोड से होगा, तो जितना मुझे लगता है आप अपने घर से दे पाएंगे वैसा वाला होगा, प्रॉक्टर्ड, राइट। नेक्स्ट, सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाएंगी वेबसाइट पे, तो फिर भी मुझे लगता है इस बार इनका कॉन्टैक्ट सिस्टम बेटर है, क्योंकि मैंने खुद कॉन्टैक्ट किया है, मैंने कमेंट था एप्लीकेशन पोर्टल लिंक से रिलेटेड, सो मैंने कॉन्टैक्ट किया, एंड उसकी बात हम अभी करते हैं। फिलहाल 11 से 1 बजे तक 18th June को आपका रेट होगा, एंड उसी दिन होगा, ठीक है, तो प्रिपेयर रहेगा अकॉर्डिंगली। नाउ कोर्स वर्क एग्जाम भी होता है इनका साथ में ही, तो वो 2 से 4 बजे तक होगा, ठीक है, आपके लिए नहीं है, जो कोर्स जिन्होंने PhD प्रोग्राम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए होता है। नाउ लास्ट डेट आपके लिए 13th of June है, ठीक है, तो 13 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से ही करना है, हार्ड कॉपी वगैरह कुछ नहीं भेजनी है। फॉर एनी क्वेरी, तो देखिए मैंने कॉन्टैक्ट भी सेकेंड वाले नंबर पर एक्चुअली किया था, तो आप देख लीजिएगा जिस पर आपको करना हो, मेल भी कर सकते हैं कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो, ओके। नाउ यहाँ पर
कुछ लिंक्स हैं, कुछ पीडीएफ्स हैं एंड ये रहा लिंक, राइट। एक्चुअली जब मैंने देखा था तो उस टाइम तक लिंक अवेलेबल नहीं था, सो उन्होंने यही कहा कि लिंक आ जाएगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई थ्रू दैट लिंक, ऑफलाइन मोड से नहीं करना है, राइट। सो अभी लिंक मैंने देखा जब वीडियो बना रही कि हाँ लिंक आ चुका है। सो या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो थी। नाउ वन बाय वन हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह को भी देखेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफकोर्स आपको अपने आईडी, जो भी ईमेल आईडी है उससे लॉग इन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्टिल कोई इशू है तो बताइएगा मुझे एंड आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो मेल वगैरह कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, तो चलिए पहले इंस्ट्रक्शंस देखते हैं वन बाय, उसके बाद हम सिलेबस एंड नोटिस देखते हैं। सो यस, इंस्ट्रक्शंस देखिए, क्राइटेरिया क्या है, तो वही है, मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, तो वन ईयर मतलब फोर ईयर यूजी के बाद वन ईयर का मास्टर्स हो, या फिर थ्री ईयर यूजी के बाद टू ईयर्स का मास्टर्स हो, तो जो भी हो बट 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो एलिजिबल हैं आप, या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया है यूजीसी का अपने सब्जेक्ट का तो आप भी कर सकते हैं अप्लाई, राइट। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन, तो देखिए इसके लिए है कि अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में है 75% मार्क्स होने चाहिए, राइट। देन सभी कैंडिडेट्स को रेट में एंट्रेंस मतलब रेट एंट्रेंस में अपीयर होना है, आपको एंट्रेंस देना है एक्सेप्ट। तो अगर आप फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, म्यूजिक, डांस, डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेट नहीं देना है, ठीक है। एंड बाकी सभी के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो जब तक एडमिशन मतलब जब तक आप रेट क्वालिफाई नहीं करते आपको एडमिशन काइंड ऑफ प्रोफेशनल रहता है, बट ऑफकोर्स आप फर्दर प्रोसीड ही नहीं कर सकते तो पहले रेट वगैरह देना है। नेक्स्ट एग्जेम्पशंस के लिए मिला हुआ है, तो देखिए वो कैंडिडेट जिनके पास नेट है, स्लेट है, गेट है, जीपैट है या एमफिल है एंड एमफिल में एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू हुआ था, तो हाँ आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस टेस्ट से। कब है तो 18 जून को है, 2 आवर का होगा, 2 आवर्स का, 11 to 1 PM। कोर्स वर्क भी है बट आपको पता है ऑनलाइन मोड से होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 MCQs होते हैं, 50 रिसर्च के, 50 आपके सब्जेक्ट के, 50% मार्क्स एंट्रेंस में होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे फिर इंटरव्यू, एंड ये कोर्स वर्क का पैटर्न है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सारी इंपॉर्टेंट थी, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सब्जेक्ट दोनों ही पार्ट्स का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट इसी तरह सेम मैथ्स है आई थिंक, क्योंकि मैंने अभी ऑफकोर्स इसे देखा है, सो मैथ्स है, देन स्टैट्स है, तो हम सब्जेक्ट्स आई थिंक स्टार्टिंग में जो था ना उसी से देखेंगे तो बेटर होगा, बट आप एक बार इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। जिसका सिलेबस ना हो तो शायद वो सब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये था, इसके बाद फी नोटिस देखते हैं, तो ये है फी नोटिस जो कि पुराना ही है। सो एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 800। सो यस 800 है एंड कुछ भी रिलैक्सेशन का नहीं है, तो सबके लिए सेम ही है। नाउ सब्जेक्ट्स, तो देखिए कंप्यूटर साइंस इज देयर, देन फार्मेसी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, फिलोसफी एंड वैदिक स्टडीज, हिंदी एंड MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, देन इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, इट्स पॉलिटिकल साइंस एंड पबैट, देन सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट, होम साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स एंड बैंकिंग, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मासकॉम, अर्थ साइंसेज, एविएशन, ऑटोमेशन, राइट। यहाँ पे भी डिग्री के लिए क्या क्या रूल्स वगैरह हैं वो लिखे हुए हैं, कौन एग्जेम्प्टेड हैं, 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है एंड एवरीथिंग, तो इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा जो भी पॉइंट्स हैं। नाउ देखिए क्राइटेरिया वगैरह देख लिया, अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया है, तो डिपार्टमेंटल रिसर्च देख लीजिए, सुपरवाइजर्स कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं, इसे हम एक बार ओपन करते हैं। सो यस, यहाँ पे ना रिसर्च एडवाइजर्स की प्रॉपर जो डिटेल्स हैं एरिया के साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी, तो ऑफकोर्स आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यूजुअली नहीं करते हैं, पहले मेल करते हैं किसी भी जिन्हें भी आप जिनके अंडर रिसर्च करना चाहिए एनीथिंग, तो देख लीजिएगा अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, आप पहले बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ईमेल अगर रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लीजिएगा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो एज यू विश, नाउ ये इन्फॉर्मेशन है रिसर्च एडवाइजर से रिलेटेड। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फेलोशिप है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एमटेक एमफिल डॉक्टरल स्टूडेंट्स को टीचिंग असिस्टेंटशिप्स जो है वो मिलती है, तो टीचिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक से रिलेटेड वर्क्स दिए जाते हैं, जैसे इन्विजिलेशन करना, पढ़ाना, लैब वगैरह में हेल्प करना या खुद ही एक्सपेरिमेंट कराना, एवरीथिंग, तो देख सकते हैं आप। वैसे यहाँ लिखा है कि हाँ मिलेगी बट 100% नहीं लिखा है एंड देख लीजिएगा, ये तो इन्फॉर्मेशन शायद बाद में पता चले, बट हाँ अगर आपको कन्फर्म करना है आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है तो एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा
उसके बाद यू कैन अप्लाई। सो मुझे पता नहीं क्यों, बट हाँ ऐसा लग रहा है आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। सो आई होप इट वॉज़ बेरेबल एंड दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो, और कोई कन्फ्यूजन है तो बताएगा। एक्चुअली द थिंग इज़ ना कि जितनी बार भी ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, मतलब ये वाला नहीं, इसी यूनिवर्सिटी का, तो उतनी बार कुछ ना कुछ कमेंट्स रहे, एंड हर बार वही होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो इस बार मुझे लगा कि इनिशियली फर्स्ट मतलब वीडियो अपलोड करते ही जो भी कंसर्न्स एड्रेस करने थे वो मैं कर सकूँ। बट आई थिंक इस बार चीज़ें अच्छी हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं एंड लिंक्स वगैरह भी हैं, तो होपफुली आपको कोई इशू इस बार नहीं होगा। बाकी हाँ, 18 जून इज़ द डे, तो इसलिए उसे याद रखिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर ज़्यादा बोर हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी। एंड आप मेरे वीडियोज़ को 1.5 या 2x करके देख सकते हो, अगर आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो। जब वो इन्फॉर्मेशन आए तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। सो यस, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।